पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज सुटेबल वाइल कटिंग टेपर बाय सेट ओवर मेथड। टेलस्टॉक सेट ओवर मेथड से अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो उस समय कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन सेंटर, दूसरा ऑप्शन है हाफ सेंटर, तीसरा ऑप्शन है बॉल सेंटर और चौथा ऑप्शन है रिवॉल्विंग सेंटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेट ओवर मेथड से अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो उस समय कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक गियर मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड इन कोन पुली हेडस्टॉक टू। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बैक गियर मैकेनिज्म में कोन पुली हेडस्टॉक का उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है स्पिंडल की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है रिवर्स द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को रिवर्स करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है ट्रांसमिट पावर फ्रॉम स्पिंडल गियर टू स्टार्ट गियर, मतलब स्पिंडल गियर से स्टार्ट गियर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि कोन पुल हेडस्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए बैक गियर मैकेनिज्म में कोन पुल हेडस्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ द लेथ बेड इज, लेथ बेड जो होता है इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन से जो हार्डनिंग प्रोसेस होता है जो किया जाता है लेथ मशीन के बेड के स्लाइडिंग सरफेस पर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लेम हार्ड, दूसरा ऑप्शन है केस हार्डनिंग, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग और चौथा ऑप्शन है टेम्परिंग। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि लेथ मशीन के बेड के ऊपर कौन सा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लेम हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ओपन स्लाइड टूल पोस्ट, ओपन स्लाइड टूल पोस्ट में कितने बोल्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सिंगल टूल पोस्ट इन हेल्ड विथ थ्री बोल्ट, मतलब सिंगल टूल पोस्ट में तीन बोल्ट होता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है सिंगल टूल इज हेल्ड विथ वन बोल्ट, मतलब सिंगल टूल के लिए एक ही बोल्ट दिया जाता है। फिर तीसरा ऑप्शन है टू टूल्स आर हेल्ड विथ थ्री बोल्ट, मतलब दो टूल के लिए तीन बोल्ट दिया जाता है। फिर चौथा ऑप्शन है दो टूल के लिए एक बोल्ट दिया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि वन ओपन स्लैट टूल पोस्ट किस तरह से होता है, तो इसका सब सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल टूल पोस्ट इज हेल्ड विथ थ्री बोल्ट, मतलब सिंगल टूल हम सेट कर सकते हैं ओपन टाइप टूल पोस्ट में और तीन बोल्ट इसमें टाइट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर टर्न थ्रेड वाइल थ्रेड कटिंग ऑन लेथ। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि लेथ मशीन पर थ्रेड काटते समय थ्रेड के फट जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्लंट टूल, मतलब टूल ब्लंट होने की वजह से। दूसरा ऑप्शन है डेप्थ ऑफ कट हैवी देने की वजह से। तीसरा ऑप्शन है इफिशियंट साइड कटिंग क्लियरेंस, मतलब साइड क्लियरेंस कम होने की वजह से। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ मशीन पर थ्रेड काटते समय थ्रेड के फटने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्टेड ऑफ चिप ब्रेकर इज करेक्ट। चिप ब्रेकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चिप ब्रेकर आर इसेंशियल फॉर ब्रेकिंग द लॉन्ग कंटिन्यूस चिप इंटू स्मॉल पीसेस। जो पहला ऑप्शन था उसका मीनिंग होता है कि लंबे समय तक लगातार चिप्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए चिप ब्रेकर आवश्यक होते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है चिप ब्रेकर आर नेसेसरी टू ब्रेक द चिप्स टू प्रोटेक्ट द फिनिश वर्क सरफेस, मतलब तैयार कार्य सतह की सुरक्षा के लिए चिप को तोड़ने के लिए चिप ब्रेकर आवश्यक है। या फिर तीसरा ऑप्शन है चिप ब्रेकर आर प्रोवाइडेड टू कर्व एंड ब्रेक द चिप, मतलब चिप्स को मोड़ने और तोड़ने के लिए चिप ब्रेकर लगे होते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है एल ऑफ द वो। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि चिप ब्रेकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल ऑफ द वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ द टूल यूज टू कट 10 mm पिच स्क्वायर थ्रेड। 10 mm की स्क्वायर थ्रेड अगर हमें कट करना है 10 mm पिच की, तो कटिंग टूल की चौड़ाई कितना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 10 mm, दूसरा ऑप्शन है 7.5 mm, तीसरा ऑप्शन है 5 mm और चौथा ऑप्शन है 2.5 mm। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्वायर थ्रेडिंग करने के लिए 10 mm पिच के लिए कटिंग टूल का विड्थ कितना होता है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 5 mm। क्योंकि जब भी हम स्क्वायर थ्रेडिंग करते हैं तो इसका जितना पिच होता है पिच डिवाइडेड बाय 2, मतलब कटिंग टूल का विड्थ होता है। जैसे 10 mm दिया, इसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका आधा आ जाता है 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडस्टॉक ऑफ द लेथ इज सुटेड एट द
क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि लेथ मशीन में हेड स्टॉक कहाँ पर स्थित होता है, जिसके लिए पहला ऑप्शन है राइट हैंड एंड ऑफ द लेथ ब्लेड, मतलब लेथ ब्लेड के राइट हैंड एंड में, दूसरा ऑप्शन है लेथ ब्लेड के लेफ्ट हैंड एंड में, तीसरा ऑप्शन है लेथ ब्लेड के मिडल में, या फिर चौथा ऑप्शन है बॉटम ऑफ द लेथ, मतलब लेथ ब्लेड के नीचे। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ मशीन में हेड स्टॉक कहाँ पर स्थित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट हैंड ऑफ द एंड ऑफ द बेड, मतलब बेड के लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में। लेथ मशीन पर खड़ा होने के बाद जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ओनली फॉर फिनिशिंग एंड मेंटेनिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ थ्रेड, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग केवल थ्रेड के सही रूप को पूरा करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टैप, दूसरा ऑप्शन है थ्रेडिंग टूल, तीसरा ऑप्शन है थ्रेडिंग चेजर और चौथा ऑप्शन है टिप टूल। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग केवल थ्रेड के सही रूप को पूरा करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रेडिंग चेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेलीस्टॉक स्पिंडल हैविंग लेफ्ट हैंड थ्रेड, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि लेफ्ट हैंड थ्रेड के थ्रेड वाले टेलीस्टॉक स्पिंडल का क्या एडवांटेज है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अवॉइड एडवांसमेंट ऑफ बैरल व्हेन रोटेट क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में घूमने पर बैरल को आगे बढ़ने से बचाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है इंश्योर दैट द बैरल एडवांस विद क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ हैंड व्हील, मतलब सुनिश्चित करें कि बैरल हाथ के व्हील की क्लॉकवाइज गति के साथ आगे बढ़ता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द टेंडेंसी फॉर एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द बैरल, मतलब बैरल की अत्यधिक गति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है अवॉइड जैमिंग ऑफ स्पिंडल एंड हैंडव्हील, मतलब स्पिंडल और हैंडव्हील के जाम होने से बचने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि लेफ्ट हैंड थ्रेड वाले टेलरस्टॉक स्पिंडल का फायदा क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर दैट द बैरल एडवांस विद क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ हैंडव्हील, मतलब सुनिश्चित करके बैरल हैंडव्हील की क्लॉकवाइज गति के साथ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर कटिंग लॉन्ग एंड नैरो एक्सटर्नल टेपर थ्रेड, तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि टेपर लंबे और नैरो बाहरी टेपर थ्रेड को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए पहला ऑप्शन है टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड, दूसरा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट मेथड और चौथा ऑप्शन है एथर, ये ऑप्शन ए और बी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लंबे और नैरो बाहरी एक्सटर्नल थ्रेड को काटने के लिए, टेपर थ्रेड को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए और बी, मतलब इसमें से अगर हमें टेपर थ्रेडिंग करना है तो सही आंसर आ जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह 24 टीथ गियर इज फिक्स्ड एट स्टार्ट एज ड्राइवर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड स्टार्ट द ड्राइवर गियर शुड बी टर्न, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्राइवर गियर के रूप में स्टार्ट 24 टीथ वाला गियर लगा होता है और पहले स्टार्ट के पूरा होने के बाद और दूसरे स्टार्ट के शुरू होने से पहले ड्राइवर गियर को टर्न करना चाहिए कितने नंबर के टीथ के, इसके लिए पहला ऑप्शन 24 टीथ, दूसरा ऑप्शन है 18 टीथ, तीसरा ऑप्शन है 12 टीथ और चौथा ऑप्शन है 6 टीथ। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि ड्राइवर गियर के रूप में स्टार्ट पर 24 टीथ वाला गियर लगा होता है और पहले स्टार्ट के पूरा होने के बाद और दूसरे स्टार्ट के शुरू होने से पहले ड्राइवर गियर को टर्न करना चाहिए, मतलब कितने नंबर का टीथ लगाना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ग्रो अप कास्ट आयरन पुली हैव टू बी फाइन टर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग मेथड गिव द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रिसिटी, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कास्ट आयरन पुली के वी ग्रो को ठीक करना है होता है तो निम्नलिखित में से किस कार्यधारण विधि उच्च कॉन्सेंट्रिसिटी प्रदान करती है, मतलब वी ग्रो वाले अगर कास्ट आयरन पुली को अगर हमें टर्न करना है फिनिश करना है तो उस समय कौन से मेथड से हम पुल्ली को सही तरीके से पकड़ सकते हैं, इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्डिंग बिटवीन फोर्जा चक एंड रिवॉल्विंग सेंटर, मतलब फोर्जा चक में रिवॉल्विंग सेंटर के साथ पकड़ सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन होल्डिंग बिटवीन थ्रीजा चक एंड सपोर्टिंग विद अ पाइप सेंटर, मतलब थ्रीजा चक में पकड़कर पाइप सेंटर से सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है होल्डिंग ऑन अ स्प्लिट मैंड्रिल एंड मशीनिंग बिटवीन सेंटर, मतलब मैंड्रिल के ऊपर पकड़कर बिटवीन सेंटर में टर्न कर सकते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है होल्डिंग ऑन कोन मैंड्रिल एंड मशीनिंग बिटवीन सेंटर, मतलब
कॉनवे एंटरिंग में पकड़कर बिटवीन सेंटर में टर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि कास्ट आयरन के भी पुली के ग्रू को ठीक करना होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि का सबसे ज़्यादा कंसेंट्रिसिटी प्रदान करती है, जिसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होल्डिंग ऑन कोन वेंट्रिल एंड मशीनिंग बिटवीन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होल इज ड्रिल इन अ लेथ बाय यूजिंग डायमीटर 10 मिलीमीटर स्ट्रेट चांग ड्रिल हेल्ड इन ड्रिल चक, आफ्टर अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ ड्रिल इट रोटेट अलॉन्ग विद द वर्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केस फॉर दिस डिफेक्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 10 mm का हमें ड्रिलिंग करना है स्ट्रेट शैंक ड्रिल के सहायता से, तो कुछ दूरी ड्रिलिंग होने के बाद वो जॉब के साथ घूमने लगता है, तो इसका कारण क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है चिप गेटिंग क्लॉक, मतलब चिप फंस जाता है। दूसरा ऑप्शन है सेंटर नॉट अलाइड, मतलब सेंटर बराबर ना होने की वजह से। तीसरा ऑप्शन है सपोर्टिंग एट द सेंटर नॉट डन, मतलब सेंटर सपोर्ट हमने दिया नहीं है। या फिर चौथा ऑप्शन है फीडिंग बाय टेलस्टॉक हैंडवेल इज टू स्लो, मतलब जो जब हम ड्रिलिंग करते समय टेलस्टॉक हैंडवेल से फीड देते हैं वो फीड रेट बहुत कम है। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि 10 mm की ड्रिलिंग करते समय स्ट्रेट टैंक के ड्रिल से कुछ दूरी ड्रिलिंग करने के बाद वो जॉब के साथ घूमने लगता है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिप्स गेटिंग क्लॉक, मतलब चिप्स बाहर ना निकलने की वजह से वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रिल जॉब के साथ घूमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एनेबल अ नट टू फिट प्रॉपरली ऑन अ बोल्ट ऑफ स्क्वायर थ्रेड द विड्थ ऑफ द इंटरनल स्क्वायर थ्रेडिंग टूल शुड बी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि स्क्वायर थ्रेड के बोल्ट पर नट को ठीक से फिट करने के लिए इंटरनल स्क्वायर थ्रेडिंग टूल की चौड़ाई होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लाइटली मोर देन द हाफ पिच, मतलब पिच से हल्का थोड़ा ज़्यादा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, मतलब जो पहला ऑप्शन था स्लाइटली मोर देन द हाफ पिच, मतलब हाफ पिच से थोड़ा हल्का ज़्यादा रखना है। दूसरा ऑप्शन है स्लाइटली लेस देन द हाफ पिच, मतलब हाफ पिच से थोड़ा कम रखना है। तीसरा ऑप्शन इक्वल टू हाफ पिच, मतलब हाफ पिच के बराबर रखना है। या फिर चौथा ऑप्शन इक्वल टू द पिच, मतलब पिच के बराबर रखना है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्वायर थ्रेड के बोल्ट पर नट को ठीक से फिट करने के लिए इंटरनल स्क्वायर थ्रेडिंग टूल की वेट कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लाइटली मोर देन द हाफ पिच, मतलब जो आधा पिच होता है उससे थोड़ा हल्का ज़्यादा रखना है टूल की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेजुएशन आर मार्क एट द बेस ऑफ द टेलीस्टॉक टू ऑफसेट बाय बॉडी दिस ग्रेजुएशन आर गिवन इन। ग्रेजुएशन को टेलीस्टॉक के आधार पर चिन्हित किया जाता है, तो बॉडी को ऑफसेट करने के लिए ये ग्रेजुएशन कौन से फॉर्म में दिया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है डिग्री, दूसरा ऑप्शन है टेपर पर फुट, तीसरा ऑप्शन है मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन है रेडियन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि ग्रेजुएशन को टेलीस्टॉक के आधार पर चिन्हित किया जाता है और बॉडी को ऑफसेट करने के लिए ग्रेजुएशन कौन से फॉर्म पर होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेपर पर फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस प्लेट इज हेल्ड एट, फेस प्लेट कहाँ पर फिट होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हेडस्टॉक स्पिंडल, दूसरा ऑप्शन है टेलीस्टॉक, तीसरा ऑप्शन है टूल पोस्ट और चौथा ऑप्शन है बेड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि फेस प्लेट कहाँ पर फिट किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेडस्टॉक स्पिंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टूल विच इज यूज टू एनालाइज अ प्रीवियसली ड्रिल होल इज नोन एज। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि एक टूल जिसका उपयोग पहले से ड्रिल किए हुए होल को बड़ा करने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेसिंग टूल, दूसरा ऑप्शन है टर्निंग टूल, तीसरा ऑप्शन है फॉर्म टूल और चौथा ऑप्शन है बोरिंग टूल। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि एक उपकरण जिसका उपयोग पहले से ड्रिल किए हुए होल को बड़ा करने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोरिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ टेलीस्टॉक, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीस्टॉक की विशेषता नहीं है। इसके लिए पहला ऑप्शन है यह जॉब को पकड़ता है, मतलब इट होल्ड द जॉब, मतलब टेलीस्टॉक जॉब को पकड़ता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है ड्रिल एंड रिमर कैन बी माउंटेड ऑन इट, मतलब टेलीस्टॉक में हम ड्रिल और रिमर को माउंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है डेड सेंटर इज माउंटेड ऑन इट्स स्पिंडल, मतलब टेलीस्टॉक स्पिंडल में हम डेड सेंटर को माउंट कर सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है इट कैन बी यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग बाय ऑफसेट मेथड, मतलब टेलीस्टॉक की सहायता से हम ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से टेलीस्टॉक की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट होल्ड द जॉब, मतलब यह जॉब को पकड़ता है, यह टेलीस्टॉक की विशेषता नहीं है, टेलीस्टॉक कभी भी जॉब को पकड़ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेज इन द लेथ मूव, लेथ मशीन में कैरेज किस तरह से मूव करता है,
जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन की एक्सिस के समांतर। दूसरा ऑप्शन है एट एनी एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन के एक्सिस के किसी भी कोण पर। या फिर तीसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन के एक्सिस के लंबवत चलता है। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि टेलेस्टक लेथ कैरेज, जो कैरेज होता है लेथ मशीन का, वो लेथ मशीन पर किस तरह से मूव करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन के एक्सिस के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिक्स एंगल इज फाउंड ऑन, हेलिक्स एंगल कहाँ पर पाया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फीड रॉड ऑफ लेथ, मतलब लेथ के फीड रॉड पर। दूसरा ऑप्शन है थ्रेडिंग टूल पर। तीसरा ऑप्शन है थ्रेडेड जॉब पर। और चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट पर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हेलिक्स एंगल कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थ्रेडेड वर्क पीस, मतलब थ्रेडेड जो जॉब होता है उसके ऊपर हेलिक्स एंगल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ड्रॉप वर्म प्रोवाइडेड इन द एप्रन ऑफ सेंटर लेथ, सेंटर लेथ के एप्रन में दिए गए ड्रॉप वर्म का क्या कार्य है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एंगेज एंड डिसंगेज द पावर फिट, पावर फिट को एंगेज और डिसंगेज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्क पीस, वर्क पीस के रोटेशन की दिशा बदलने के लिए। तीसरा ऑप्शन है चेंज द फिट डायरेक्शन, मतलब फिट की दिशा बदलने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है एंगेज डिसंगेज द लीड स्क्रू, मतलब लीड स्क्रू को एंगेज और डिसंगेज करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि सेंटर लेथ के एप्रन में दिए गए ड्रॉप वर्म का कार्य क्या है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंगेज और डिसंगेज द पावर फिट, पावर फिट को एंगेज और डिसंगेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कट 20 मिलीमीटर इंटरनल स्क्वायर थ्रेड विथ अ पिच 22.5 मिलीमीटर द कोर डायमीटर शुड बी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि 20 mm का अगर हमें इंटरनल थ्रेड स्क्वायर थ्रेडिंग करना है और जिसका पिच है 2.5 मिलीमीटर, तो इसका माइनर डायमीटर क्या होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन है 17.5 mm, दूसरा ऑप्शन है 18.5 mm, तीसरा ऑप्शन 20 mm, चौथा ऑप्शन 22.5 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि 20 mm का इंटरनल स्क्वायर थ्रेडिंग करते समय जिसका पिच है 2.5 मिलीमीटर, तो इसका माइनर डायमीटर क्या होगा। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17.5 mm। तो इसका जो माइनर डायमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो मेजर डायमीटर हमारा 20 mm है, इससे अगर हम 2.5 mm पिच माइनस करते हैं तो इसके आंसर आता है 17.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द टूल लाइफ, टूल लाइफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टाइम बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग अ जॉब, मतलब कार्य शुरू करने और खत्म करने के बीच का समय। दूसरा ऑप्शन है टोटल टाइम फॉर टर्निंग वर्क इंक्लूडिंग रिगार्डिंग ऑफ टूल, टूल के संबंध में काम को चालू करने के लिए पूरा समय। या फिर तीसरा ऑप्शन है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव रिग्राइंड, मतलब टूल लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, जो तीसरा ऑप्शन था हमारा टाइम बिटवीन टू एक्सेसिव रिग्राइंड, मतलब रिग्राइंड करने के लिए जो टाइम लगता है उसके ऊपर। या फिर चौथा ऑप्शन है टाइम बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ मेटल कटिंग एंड टूल वेयर आउट, मतलब धातु की कटाई शुरू करने के लिए, शुरू करने और उपकरण घिसने के बीच का समय। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द टूल लाइफ, टूल लाइफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव रिग्राइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैप बेड लेथ द गैप इज प्रोवाइडेड, गैप लेथ बेड में गैप कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जस्ट बिलो द नोज ऑफ द हेडस्टॉक स्पिंडल, मतलब हेडस्टॉक स्पिंडल की नोज के ठीक नीचे। या फिर दूसरा ऑप्शन है जस्ट बिलो द स्पिंडल ऑफ द टेलरस्टॉक, टेलरस्टॉक के स्पिंडल के ठीक नीचे। तीसरा ऑप्शन है इन द मिडिल ऑफ द बेड, बेड के मिडिल में। या फिर चौथा ऑप्शन है बेड के कहीं पर भी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ मशीन के गैप बेड का जो लेथ मशीन होता है उसमें गैप कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जस्ट बिलो द नोज ऑफ द हेडस्टॉक स्पिंडल, मतलब हेडस्टॉक स्पिंडल के एकदम नीचे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ टेपर कट बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड, कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा काटे गए टेपर की लंबाई के निर्णय में से नियंत्रित कौन करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेलरस्टॉक, दूसरा ऑप्शन है टॉप स्लाइड, तीसरा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड और चौथा ऑप्शन है सैडल।
तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा काटे गए टेपर की लंबाई को निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉप स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेथ बेड हैज, लेथ बेड कौन से प्रकार में होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वन सेट ऑफ वी गाइडवे एंड फ्लैट गाइडवे, मतलब एक सेट होता है जो वी बेड का और फ्लैट बेड का। दूसरा ऑप्शन है दो सेट होता है वी बेड और फ्लैट बेड का। तीसरा ऑप्शन है तीन सेट होता है वी बेड और फ्लैट बेड का। और चौथा ऑप्शन है चार सेट होता है वी बेड और फ्लैट बेड का। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ बेड किस प्रकार से बने होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू सेट ऑफ वी गाइडवे एंड फ्लैट वे, मतलब दो सेट होता है वी बेड वी और फ्लैट बेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्टेड ऑफ एक्सेंट्रिक टर्निंग इज करेक्ट। एक्सेंट्रिक टर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इन एन एक्सेंट्रिक शाफ्ट द सेंटर ऑफ द इंडिविजुअल डायमीटर आर डिस्प्लेड, मतलब एक एक्सेंट्रिक शाफ्ट में व्यक्तिगत व्यास के सेंटर प्रदर्शित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक्सेंट्रिक शाफ्ट कैन बी टर्न बाय होल्डिंग इट एन थ्रीजा चक, मतलब एक्सेंट्रिक जॉब को थ्रीजा चक में पकड़कर टर्न कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है हायर स्पीड इज चूसन चूज फॉर इस एक्सेंट्रिक टर्निंग, मतलब एक्सेंट्रिक टर्निंग के लिए हाई स्पीड गति का सिलेक्शन किया जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इट इज प्रेफर टू गिव मोर डेप्थ ऑफ कट इन बिगिनिंग वाइल टर्निंग एन एक्सेंट्रिक शाफ्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सेंट्रिक टर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन एन एक्सेंट्रिक शाफ्ट द सेंटर ऑफ द इंडिविजुअल डायमीटर आर डिस्प्लेड, मतलब एक एक्सेंट्रिक शाफ्ट में इंडिविजुअल डायमीटर के सेंटर प्रदर्शित होते हैं, मतलब एक्सेंट्रिक का जो जितना एक्सेंट्रिक होता है उसका अलग अलग से एक सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस प्लेट इज यूज फॉर टर्निंग, फेस प्लेट का उपयोग निम्नलिखित टर्निंग के लिए किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेगुलर शेप जॉब, मतलब नियमित आकार की जॉब। दूसरा ऑप्शन है इरेगुलर शेप जॉब, मतलब अनियमित आकार की जॉब के लिए। तीसरा ऑप्शन है फ्लैट जॉब और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि फेस प्लेट का उपयोग कौन से टर्निंग के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इरेगुलर शेप जॉब, मतलब अनियमित आकार की जॉब के टर्निंग के लिए फेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ मल्टी स्टार्ट थ्रेड इज कट ऑन लेथ। जो क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक लेथ पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटा जा सकता है, इसके लिए पहला ऑप्शन है चेजर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डाई के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन है डाई स्प्लिट डाई के द्वारा। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक लेथ मशीन पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटा जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के सहायता से हम लेथ मशीन पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड कट कर सकते हैं। और इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है जो लेथ मशीन के बारे में है। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।